हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज दशहरा है और आज का वीडियो छोटा ही होने वाला है। यहाँ पास में ही, हमारे घर के पास में ही, एक पहले तो काफ़ी बड़े ग्राउंड में होता था, लेकिन इस बार छोटे ग्राउंड में हो रहा है। यहाँ का मैंने आपको दिखाया था जो मेला लगा हुआ था, उसी ग्राउंड में एक साइड में रावण जी के दहन का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज वहीं पर रावण का दहन है और दशहरा मनाएंगे सभी लोग। चलिए मिलता हूँ हम लोग रावण दहन के पास ग्राउंड में। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी जहाँ रावण दहन होता है, कला केंद्र मैदान है। वहाँ रावण जी का, मतलब हर साल बोला जाए तो दहन होता है और दशहरा का दिन है आज। रावण जी का दहन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ रावण जी कैसा बना हुआ है। ये देखिए, मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये रावण बना हुआ है। कोविड से पहले जब हम लोग यहाँ रखा जाता था तो मेरे ख्याल से करीबन 60 फीट या 70 फीट का एक एक रावण होता था, लेकिन ये कोविड के बाद ये पहली, मतलब पहले बार रावण दहन हो रहा था। ये काफ़ी छोटा बनाया गया है, मेरे ख्याल से 30 फीट के लगभग या 20 फीट के लगभग का रावण हो रहा है। ये कोविड के बाद में पहला रावण दहन है और अभी कुछ देर के बाद काफ़ी सारे लोग भी आए हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, इससे कहीं ज़्यादा भीड़ होता था जब पहले कोविड से पहले रावण दहन होता था। और इससे बड़े ग्राउंड, ये छोटा ग्राउंड है अपने शहर का। अभी कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब रावण प्रॉपर।
गाइस रावण दहन तो हम लोग ने देख लिया है, ये पार्किंग है, यहीं पर गाड़ी खड़ी की थी मैंने, बहुत लोगों का गाड़ी यहीं पर खड़ा है, आधे लोगों का बाहर ही खड़ा है, तो हम लोग देख लिए हैं, आप लोग को भी दिखाया है मैंने। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं रावण दहन से सीधा यहाँ पर दुर्गा पंडाल में, ये देखने के लिए आया था मैं कि यहाँ डांडिया हो रहा है कि नहीं, आज लास्ट है यहाँ का डांडिया, और देखिए अंदर डांडिया हो रहा है। देखा आप लोगों ने, अभी डांडिया हो रहा है, अभी मेरे घर वाले भी अभी यहाँ पर आकर डांडिया करने वाले हैं, आज रात तो शायद मेरे ख्याल से 2 बजे तक होगा, वो लोग बोल रहे थे कि 2 बजे रात तक आज यहाँ डांडिया होने वाला है, तो देखते हैं लोग कितने देर तक करते हैं डांडिया वांडिया। और अभी आयुषी गई है अंदर, अरे आयुषी खेल रहे डांडिया है, कितने बजे तक खेलेंगे? 2 बजे। तो मम्मी लोग को लेके आएंगे। गाइस ये है चैतन्य देवियों की भव्य झांकी, यहाँ हर साल प्रजापति ब्रह्म कुमारी जो कोई संस्था है उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है, ये दशहरे के समय में 3 दिनों तक रहता है इनका, काफ़ी अच्छा रहता है आयोजन, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होती है। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वात्सल्य की प्रतिमा जिनके ध्यान मात्र से जन्म जन्म की पवित्रता का नाश हो जाता है, सागर से कैसा लगेगा, कैसा लगा देखिए कमला से नहीं। गाइस तो मैं आ गया हूँ वहाँ पे जहाँ पर डांडिया हो रहा है, और देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी देर रात तक होने वाला, बहुत अच्छा लग रहा है, और आज लास्ट है यहाँ का डांडिया। Yeah.